गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साइंस के अंदर, चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। बेटा आइए आज इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, इसका हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है, और ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। यानी हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। चलिए बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए पहले हम आप लोगों से आपकी डेली लाइफ में होने वाली एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल को जब पैर से किक करते होंगे बेटा, तो वो कुछ दूर जा करके क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। साइकिल आप चलाते हैं, जब तक पैडल मारते रहते हैं पैर से, तब तक वो साइकिल आगे बढ़ती है। फिर जैसे ही आप पैर मारना छोड़ देते हैं पैडल पे, कुछ देर बाद साइकिल चल करके रुक जाती है। आप देखे होंगे कि आप कार चलाते हैं, कार चलाते जाते हैं, जैसे ही ब्रेक आप दबाते हैं, तुरंत आपकी कार रुक जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो क्यों होती है, इन सब का जो रहस्य है, जो सेक्रेट है, वो इस चैप्टर में छुपा है। अब आप देखिए बेटा, हम फुटबॉल को किक किए, वो कुछ दूर जा करके जमीन से पहले लग करके वो कुछ दूर तक जा रहा था, और जाते जाते धीरे धीरे वो रुक गया। रोकने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन वो क्यों रुक गया। अब एक बात याद रखना बेटा, फोर्स बिना फोर्स लगाए, हम फोर्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बिना फोर्स लगाए किसी बॉडी को न तो हम मूव करा सकते हैं और न तो रोक सकते हैं। तो हमने जब फुटबॉल को किक किया तो कुछ देर जा करके रुक गया, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई उसको फोर्स लगाया होगा, तभी वो जा करके रुकी होगी। जैसे आपने फोर्स लगाया तो फुटबॉल पहले कुछ देर तक दूर गया, फिर जैसे ही कुछ दूर गया वो रुक गया, इसका मतलब कि जरूर किसी ने ना किसी ने उसे फोर्स लगा के रोका होगा। तो आइए बेटा देखते हैं कि वो फोर्स होता क्या है, और ये कैसे पैदा होता है, और किस तरह से किसी बॉडी पर हावी होता है। तो देखते हैं बेटा, ये हमने मान लिया कि एक फुटबॉल है, ये हमने क्या कर लिया, एक फुटबॉल ले लिया बेटा, और इस फुटबॉल पर हमने क्या किया, इधर की तरफ फोर्स लगाया। तो ये हमारे ग्राउंड से, ये हमारे ग्राउंड से लग करके बेटा, जब हमने इस पर क्या किया, फोर्स लगाया, ये फुटबॉल है, तो ये कुछ देर तक पहले रन होते 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 इस सरफेस तक आया, यानी इस पॉइंट तक आया, ए से स्टार्ट किया, बी पर आया, और ये फिर फुटबॉल हमारा क्या हो गया, रुक गया। अब अगर यहां रुका होगा बेटा, तो जरूर इसने किसी, इस पर किसी ने फोर्स लगाया होगा। वो फोर्स बेटा क्या होता है कि जिस ग्राउंड पर ये क्या कर रहा है, रन कर रहा था, उस ग्राउंड की सरफेस ने इसके ऊपर लगा दिया और इसके सरफेस ने। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही सरफेस ने फोर्स लगाया तो ये इसको रोक दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन होने से रोक रहा है। बस बेटा यही इसकी मेन जड़ है, हम यहीं से इसकी डिटेल निकाल लेंगे और हम बोलेंगे कि ओ, इसका मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो किसी दूसरी बॉडी के मोशन का अपोज करती है, विरोध करती है, उसी फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन ये फोर्स पैदा कब होता है और कैसे होता है, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये दोनों सरफेस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें बेटा, तो इनमें क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। आप जितना भी स्मूथ सरफेस ले लीजिए, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो इनमें गड्ढे मिलेंगे। कैसे गड्ढे मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कटहल देखे होंगे, कटहल का जो फल होता है बेटा, उसमें क्या होता है, छोटे 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 कांटे जैसे निकले होते हैं। तो उनके गैप को समझे, एक रफ सरफेस, बिल्कुल वो क्या है, बिल्कुल रफ सरफेस। वैसे जब हम माइक्रोस्कोप से किसी भी स्मूथ सरफेस को या किसी भी सरफेस को देखते हैं, तो उनमें छोटे छोटे गड्ढे हमको मिलते हैं। अब ये क्या हुआ बेटा कि एक गड्ढा तो मान लीजिए हमारे फुटबॉल में भी ऐसा है और ऐसा ही जमीन में है। जब ये दोनों गड्ढे एक दूसरे के बीच आकर के फंस जाते हैं, तो इनके बीच बेटा इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग। और ये इंटरलॉकिंग क्या करता है, अब जैसे हमारे ये हाथ है तो इसको आसानी से हम कहीं मूव करा ले रहे हैं देखो, लेकिन ये जब हाथ इसमें फंस गया तो देखिए हम इसको आसानी से मूव नहीं करा पा रहे हैं।
इसका मतलब क्या है कि इंटरलॉकिंग हो जाने की वजह से इन दोनों सरफेस के बीच एक फोर्स जनरेट हो जाता है जो कि बाहर से लगने वाले फोर्स का अपोज करता है। और जब बाहर से लगने वाले फोर्स का अपोज कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स मोशन कराने की कोशिश कर रहा था, तो ये मोशन का अपोज करता है। तो इनडायरेक्टली हम इसको ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक तरह का अपोजिशनल फोर्स होता है, और यह फोर्स किसी बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर या एक बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर मूव करने से रोकती है। और यह पैदा कैसे होती है, अगर इस बात पर आपसे कोई चर्चा करे तो, क्योंकि दोनों सरफेस एक रफ होते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच इंटरलॉकिंग हो जाती है, और इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, इनमें वो फोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और जब फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का अपोज करता है, फोर्स मोशन कराने की कोशिश करता है, और ये फोर्स उसको रोकने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स विच इज अपोज टू मोशन ऑफ एनी अनदर ऑब्जेक्ट ऑन दैट सरफेस। यानी फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा अपोजिट फोर्स होता है जो मोशन होने का अपोज करता है। अब ये लगता कैसे बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है, हम इसका नाम लिख देते हैं सरफेस, और ये है बॉडी है बेटा। अब इस बॉडी को हम लोगों ने क्या किया, ये हमने लगा दिया फोर्स। अब फोर्स लगाया तो जनरली आप लोगों को पता होगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हूं तो बॉडी मोशन भी इसी डायरेक्शन में करेगी, इसका मोशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और आप बताइए बेटा, अगर इसके मोशन को रोकना है तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कहां लगेगा, देखिए हमने कह दिया कि फ्रिक्शन फोर्स ये लग गया, ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया, और देखिए मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये तो सही है कि ये बॉडी रुक जाएगी, आगे की तरफ मोशन नहीं करेगी, या अगर ये ज्यादा होंगे तो इसको तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इन केस जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ गया तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन ये तो सही है कि चलो हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स इस केस में बराबर है जो इसको रोक लेंगे, आगे मूव नहीं कर। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा, कि जो फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ आपको शो कर रहे हैं, इस लाइन को शो कर रहे हैं, वो कभी वहां नहीं होता बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर होता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इस सरफेस पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, न कि यहाँ पर लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के कॉन्टेक्ट पे लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये हमने एक ब्लॉक ये ले लिया और एक ब्लॉक हमने ये ले लिया, देखिए हमने दो ब्लॉक ले लिया और एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर ऐसे रगड़ रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इस लाइन पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज टू बॉडीज के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे लगता है, ठीक है, और यह उस बॉडी में होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि भाई फोर्स की डायरेक्शन में हम बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, लेकिन ये हमेशा दो सरफेस के कॉन्टेक्ट पॉइंट में लगता है। तो आई होप कि बेटा ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन। पहला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने सीखना पड़ा बेटा CAUSE, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन का रीजन क्या बेटा, रफ सरफेस जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो जाता है, और इंटरलॉकिंग होने की वजह से बेटा वो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर आसानी से फिसल नहीं पाती है। अब हम लोग सीखेंगे दूसरे टॉपिक में फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो मैं इसको रफ करता हूँ बेटा, आप चाहे तो इसको रफली ऐसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं फैक्टर
फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं बेटा कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, आप लोगों को कुछ एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। आप लोग कहीं मान लीजिए कि आपके घर में लोग कहते हैं कि केला खा कर केले का छिलका यहाँ से हटा दो वरना किसी का पैर पड़ेगा और वो उस पर फिसल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के घर में मान लीजिए गलती से कहीं ऑयल बिखर गया, लोग बोलते हैं कि अरे उधर की तरफ से मत जाना, उधर तेल गिरा है फिसल जाओगे। या बरसात का मौसम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उधर की तरफ से जाना पसंद नहीं करते हैं जिधर फिसलन ज्यादा होती है, गीली मिट्टी ज्यादा होती है। या कभी आपने देखा है बरसात के टाइम में गीली मिट्टी पर आप लोग साइकिल चलाते हैं और जैसे ब्रेक मारते हैं तो साइकिल आपकी वहां न रुक करके थोड़ी दूर आगे स्लाइड होके जाती है और फिर रुकती है। आप लोग देखे होंगे बेटा कि आप अपने शूज उठा करके देखिए और एक रनर जो होता है, धावक जो होता है, वो जो दौड़ता है, एथलीट जो होते हैं उनके शूज को देखिएगा और उनके शूज के पीछे सोल को देखिए। उनके शूज के सोल को देखेंगे तो आपके शूज में छोटे छोटे माइनर बहुत ब्लॉक्स बने होंगे लेकिन उनके शूज में बिल्कुल कांटे जैसी चीजें लगी रहती हैं, बहुत बड़े बड़े वहां पर गोटियां या आप कह सकते हैं कि वहां पर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होती है कि आप जिस आप अपने घर में अगर गाड़ी चढ़ने के लिए क्या करते हैं सरफेस बनवाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं उस पर डिजाइन बनवा देते हैं या उसको रफ करवा देते हैं, बिल्कुल स्मूथ शीशे का नहीं लगवाते। क्यों? अब ऐसा देखते हैं बेटा, आप स्कूल में देखे होंगे स्कूल में बच्चों को फिसलने वाला जो झूला होता है, ठीक है, तो वह बिल्कुल स्मूथ बनाया जाता है। अब कुछ बातें हमें समझ में आ रही होंगी कि देखिए बेटा केले के छिलके पर जब हमारा पैर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि केले का छिलका स्मूथ बिल्कुल और जमीन हमारी क्या है थोड़ी सी रफ, तो जमीन और छिलके के बीच क्या होता है इंटरलॉकिंग नहीं बन पाती है। क्या होती है? इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती क्योंकि मैंने बताया कि इंटरलॉकिंग के लिए दोनों सरफेस का रफ होना जरूरी है। अब इनके बीच इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती तो ये दोनों क्या करते हैं जैसे ही पैर पड़ता है बेटा हमारा छिलके पर ये फिसल जाते हैं और जब ये फिसल जाता है इसका मतलब कि फिसला क्यों? क्योंकि अपोजिशन फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लगना था वो कम हो गया था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स रफनेस पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा उनके बीच इंटरलॉकिंग और उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। जैसे अगर मैं कहूं आपको एक बच्चे को पकड़िए, ठीक है, आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा, आप उसके दोनों पैर को पकड़ करके आपके घर के फ्लोर पर टाइल्स लगी है बिल्कुल स्मूथ और उसको खींचिए ऐसे, उसको बड़ा मजा आएगा, हंसेगा, खूब हंसेगा। उसी बच्चे को बाहर ले जाइए रोड पे और उसको खींचिए ऐसे, तुरंत रोने लगेगा। क्यों ऐसा? वहां उसको मजा नहीं आ रहा है, लाल हो गया बिल्कुल। अब ऐसा क्यों हो गया बेटा? क्योंकि बेटा हमारे घर का जो फ्लोर है वो बिल्कुल स्मूथ है और बच्चे की जो स्किन है वो थोड़ी रफ है, तो इनके बीच इंटरलॉकिंग तो हुई लेकिन बहुत माइनर हुई और इंटरलॉकिंग कम होने की वजह से जल्दी से स्लाइड कर गया और फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाया अच्छा खासा। इस वजह से उसको मजा आता है और आसानी से, और उसका भार भी आपको बड़ा कम फील होगा, उसको खींचना बड़ा आसान होगा। लेकिन अब उसी चीज को उसी बच्चे को जब हम रोड पे ले जाके खींच रहे हैं तो रोड भी रफ और इसकी स्किन भी रफ, इन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई। जब आप खींचते हैं तो इसके स्किन क्या हो जाती है छिलने लगती है, छिल जाती है, उस पर स्क्रेचेज आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे को दर्द होता है और वो फिर रोने चिल्लाने लगता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? रफनेस ऑफ सरफेस से। तो नंबर एक रफनेस ऑफ सरफेस यानी सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करेगा। नंबर सेकंड बेटा देखते हैं किस पर। चलिए अब बात आती है बेटा, आपसे अगर कोई बोले, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे किसी ने बोला कि आप लोग घर पे भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं, हमसे किसी ने बोला कि भैया इस ये कोई बोरी है चावल की, आप इसको उठा करके यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो मैंने क्या किया इसको धक्का मारा और यहाँ जाकर के रख दिया, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया, इसी बोरी को हमने सबसे पहले ऐसे उठाया और अब ले गया। आप लोग ये एक्टिविटी घर पे देखिएगा करके और बताइएगा कि किस में ज्यादा आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी है, जब बिल्कुल उसको चिपका करके यानी बिल्कुल इसको सटा करके जब हमें इसको ले गए तब ज्यादा लगा है कि थोड़ा इसको ऐसे करके ले गए हैं तब। आपके घर में कुर्सी होगी चार पैरों वाली, उसको चारों पैरों के सारे धक्का मार के एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए, उसको सिर्फ एक पैर पे करके जमीन से लगाते घसीटते हुए दूसरे जगह ले जाइए, खुद पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो बेटा ये एक्टिविटी आप लोग करिएगा, मैंने तो किया है तो मुझे ऐसा लगा है। चार सरफेस आप लोग बताइए, चार सरफेस यहाँ कॉन्टेक्ट पर है तो चारों सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और अब यहाँ एक ही सरफेस कॉन्टेक्ट पर है तो यहाँ पर एक ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसका मतलब ज्यादा कॉन्टेक्ट सरफेस तो ज्यादा फ्रिक्शन, क्योंकि ज्यादा इंटरलॉकिंग हो जाएगी, और कम सरफेस तो कम इंटरलॉकिंग, ठीक है, तो वहां पर फ्रिक्शन कम। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करती है कॉन्टेक्ट सरफेस, दूसरा इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा जिन पर हमारी ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही क्लोज करता हूँ, मैं फिर से इस चीज को एक बार आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ कि व्हाट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है बेटा, सिंपल सी बात समझिए कि फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है जो दो सरफेस के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर लगता है, जहां दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट पर आती है उसी पॉइंट पर लगता है, और यह फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन को रोकता है या इनके मोशन का अपोज करता है। समझ में आ गई बात। दूसरा इसमें मैंने बताया कि फ्रिक्शन जो होता है वो कैसे पैदा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि दुनिया में कोई भी आप चीज ले लोगे तो वो रफ होती है, और रफनेस होने की वजह से जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो इनके बीच इंटरलॉकिंग हो जाती है, और इंटरलॉकिंग होने की वजह से ये एक दूसरे में फंस जाती है, और जब एक दूसरे में फंस जाते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये उसको बाहर जाने नहीं देती है, इस वजह से तो हम कहते हैं कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, यानी फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग की वजह से पैदा होती है। अब मैंने बताया फ्रिक्शन जो होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो मैंने बहुत सारे आप लोगों को एग्जांपल दिया, केले के छिलके का वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बेटा कि जितना सबसे पहले रफनेस ऑफ द सरफेस जितना रफ होगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग उतनी बड़ी बड़ी होगी। जैसे छोटे छोटे गड्ढे में फंसा दो और बड़े बड़े गड्ढे में, छोटे गड्ढे में आपकी गाड़ी फंसती है आसानी से निकल जाती है, बड़े गड्ढे में आपकी गाड़ी फंस गई तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई। अब आपके एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, भाई कम एरिया कॉन्टेक्ट रहेगा तो कम सरफेस पर इंटरलॉकिंग होगी, उसको तोड़ना आसान होगा, लेकिन अगर ज्यादा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में और ज्यादा इंटरलॉकिंग है तो उनको तोड़ना थोड़ा सा कठिन होगा, यानी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज, हालांकि ज्यादातर वैल्यूएबल नहीं है, एक प्रेशर पर भी डिपेंड करता है कि कम एरिया तो कॉन्टेक्ट में है लेकिन ये बहुत भारी चीज कॉन्टेक्ट में है तो उसको भी हटाने के लिए ज्यादा फोर्स, यानी हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स उनके सरफेस के बीच लगेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। ये भी इन्हीं फ्रिक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं लेकिन उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।